2019 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कोसी कलां में जगह जगह बूथ बनाए गए। जब हमने उन बूथ पर जाकर देखा तो कुछ बूथ पर लंबी लंबी कतारें नजर आईं और कुछ बूथ खाली पड़े हुए थे। जब हमने नगर पालिका इंटर कॉलेज कोसी कलां में जाकर देखा तो बूथों पर महिलाओं का जमावड़ा नजर आया। पुरुषों की संख्या के आगे जब हमने वोट डालकर आ रही महिलाओं से पूछा तो उनका एक ही मुद्दा साफ सफाई और पानी था। किन मुद्दों को लेकर आज आपने ये सरकार के लिए मतदान दिया कि क्या होना चाहिए हमारे देश में? सफाई होनी चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए, शिक्षा नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चों विकास के मुद्दे को लेकर वोट देंगे। विकास के मुद्दे को लेकर कौन सा वोट डालने आई है आपने? पहला वोट है आपका या पहले भी डाल चुकी है? नहीं नहीं, मैंने कई बार वोट डाला है, जब से वोट बना है तभी से मैं लगातार वोट डाल रही हूँ। तो इस बार आप विकास के मुद्दे को लेकर आपने सुना है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज कोसी कलां में कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर वासने ने वोट डाली और बताया कि कितना भी गठबंधन जोर लगा लो और सभी गठबंधन वाले चोर हैं, सिर्फ भारत का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं सिर्फ वह है नरेंद्र मोदी। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के पावन पर्व पर आप सभी चैनल वासियों को, नगर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो मतदान है वो राष्ट्रवाद के ऊपर मतदान है। इस बार ऐसा पहली बार देखा जा रहा है किसी भी मुद्दे पे चुनाव नहीं है, केवल मोदी हटाओ। जितने भी चोर हैं गठबंधन महागठबंधन के, ये जो एक हो गए हैं, ये अब इनको महसूस हो रहा है कि हम जो है ये जल्दी ही जेल की सीटों के अंदर जाने वाले हैं। जो जमानत में छूटे हैं वो देश के चौकीदार को चोर बोल रहे हैं। जो सारा समय सारी तनख्वाह अपने देश के ऊपर समर्पित है। नगर पालिका इंटर कॉलेज पर क्षेत्र अधिकारी छाता जगदीश काली रमन और संजीव कुमार ने नगर पालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। यहाँ पर वोटिंग हो रही है तो उसके बारे में क्या कहना, कैसी कैसी व्यवस्था यहाँ पर रही है, कहीं किसी प्रकार का कोई वो तो नहीं हो रहा? सभी थाना क्षेत्रों में जो अलग अलग बूथ हैं तो उनसे भ्रमण किया जा रहा है और अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो उसका निस्तारण किया जाता है। मेयर एसडीएम साहब लगातार सतर्क दृष्टि बनाए गए और जिससे कि मतलब मतदान सुचारू रूप से हो और शांति व्यवस्था बन रहा हो, इसके लिए पुलिस भी अपना काम कर रही है। पर्याप्त पुलिस बल है जिसमें सीपीएसपी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है और होमगार्ड भी है। तो कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कतों का सामना नहीं? ये छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उसका तुरंत निस्तारण किया जाता है। जिन साहब के सर पर मेरे साथ